सो आज सभी नई दिल्ली विधानसभा के वॉलंटियर्स का स्वागत है। आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आज कल परसों तीनों दिन मैं विधानसभा में कई सारी रामलीलाओं में, दुर्गा पूजा में, कई सारे त्योहारों में शरीक होऊंगा आप लोगों के साथ। आप सबको सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की, काली पूजा की, छठ की, सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। एक चीज़ तो मैं आप सब लोगों की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी अपनी विधानसभा में कहीं भी जाता हूं, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग अपनी सरकार की तो तारीफ करते ही करते हैं कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, अपने वॉलंटियर्स की बहुत तारीफ करते हैं, आप सबकी बहुत तारीफ करते हैं कि आपके वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, आप लोग हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, हमारी पार्टी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों की पार्टी नहीं है। मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, आतिशी, सौरभ भारद्वाज सब ऑर्डिनरी लोग थे, आम लोग थे, हम आम लोगों ने मिलके पार्टी बनाई। उसी तरह से अपने वॉलंटियर्स हैं, आम बैकग्राउंड से आते हैं। जो नॉर्मल पार्टियाँ, दूसरी पार्टियाँ हैं, अक्सर उनके लोग काम वाम तो करते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं अपने इलाके के अंदर, गाली गलौज करते हैं, धौंस जमाते हैं, यही करते हैं ना दूसरी पार्टियों के लोग, तो लोग उनको पसंद नहीं करते। अपनी पार्टी वालों को लोग पसंद करते हैं, अपनी पार्टी वाले सारे शरीफ नज़र आते हैं। अगर कोई शरीफ है तो समझ जाओ आम आदमी पार्टी का है, ये एक उसकी पहचान है। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं अपने अपने इलाके में लोगों की। अब एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट है जो बात करना चाहता हूँ, वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत दे के जिताया था, ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे, लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं, चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था, गलत तो नहीं कह रहा मैं, इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है, देश तभी तरक्की करेगा। इन्होंने जो निर्णय लिए, कुछ समझ नहीं आता ये क्यों निर्णय लेते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि इनकी जगह कोई और निर्णय लेता है। 2016 में बोले कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हजार हजार के नोट खत्म कर रहे हैं। इनसे पूछा भाई हजार हजार के नोट खत्म करने से कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा, तो बोले कि बड़े नोटों में काला पैसा रखने में सहूलियत होती है, तो इसीलिए बड़ा नोट खत्म कर रहे हैं, हजार हजार के नोट खत्म कर रहे हैं।
और 1000 का नोट खत्म करके 2000 का नोट ले आए। तो बताओ भाई, बड़ा नोट 1000 के बदले 2000 का नोट ले आए तो कैसे भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार खत्म हुआ नोटबंदी से? कुछ नहीं खत्म हुआ। बोले आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म हुआ उनसे? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है उस टाइम बड़ी अफवाहें चली थी जब 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी कि बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, 30-30% में नोट बदले जा रहे हैं, बड़े बड़े आम जनता तो लाइनों में लगी है लेकिन बड़े बड़े लोगों के पीछे दरवाजे से नोट बदले जा रहे हैं, जितने करोड़ों रुपए दे दो लेकिन 30% में नोट बदले जा रहे हैं, 30% कमीशन ले रहे हैं ये लोग। उसके बाद ये 2000 का नोट ले आए, अभी 7 साल भी नहीं हुए अब इन्होंने 2000 का नोट बंद कर दिया। अब ये समझ नहीं आता 7 साल बाद ये 2000 का नोट फिर लाए क्यों थे। इस तरह से नोटबंदी किसी दुनिया के किसी देश में नहीं देखी गई कि अब तुमने 2000 का नोट बंद कर दिया, क्यों कर दिया बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। जनता तो जैसे मतलब भेड़ बकरी बंदर है इनके लिए जनता। तो कुछ समझ नहीं आ रहा नोटबंदी से, उस 2016 में जो नोटबंदी हुई, इस एक नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पिछड़ गई। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, अर्थव्यवस्था कम से कम 7-8 साल पीछे चली गई, 10 साल पीछे चली गई। पूरे देश के अंदर देख लो आज व्यापारी इतना दुखी है, इतना दुखी है। सब कहते हैं जी पहले व्यापार ठीक चला करता था, अब तो व्यापार का भट्ठा बैठ गया। पहले नोटबंदी कर दी, फिर ये जीएसटी ले आए। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना किसी की समझ में नहीं आता। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी की समझ में नहीं आता, किसी को भी पकड़ के, सारे व्यापारियों के पीछे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे, किसी के पीछे ईडी लगा रखी है, किसी के पीछे सीबीआई लगा रखी है, किसी के पीछे कुछ लगा रखी है। 12 लाख ये रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों में, 12 लाख इंडिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट और टॉप के व्यापारी भारत की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे देश की इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा देश छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो इंडिया में इंडस्ट्री कौन लगाएगा, इंडिया में व्यापार कौन खोलेगा, नौकरियां कैसे पैदा होंगी। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देंगे, वो तो छोड़ो, सर्वे ये दिखाते हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्टें ये दिखाती है कि जो मौजूदा नौकरियां हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, बढ़ने पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन ब दिन नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। 12 लाख लोग अगर देश छोड़ के, बड़े बड़े लोग देश छोड़ के चले गए, सोचने वाली बात है। जिसको देखो उसके पीछे, और इनके अपने वालों के पीछे नहीं लगाते, एक दिन कहेंगे फलाना आदमी, फलाना नेता सबसे बड़ा चोर है, अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसको डिप्टी सीएम बना लेंगे। एक दिन कहेंगे ये सबसे बड़ा डाकू है, इसने बहुत भ्रष्टाचार करा है, चक्की पिसिंग, और अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके और उसको बड़ा पद दे देंगे, उसको मंत्री बना देंगे। ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर कर रखे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया अगर भारत में। एक ही ये कहते हैं वन नेशन वन फ्रेंड, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए, इनका एक दोस्त है, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए, सबके पीछे एजेंसी है। मनीष सिसोदिया जेल में है, मनीष सिसोदिया पे 4-4 रेड हो चुकी, सतिंदर जैन पे 6-6 रेड हो चुकी, चवन्नी नहीं मिली, 5 पैसे नहीं मिले, इनके दोस्त के ऊपर एक भी रेड नहीं हुई जिसके ऊपर इतने आरोप लग चुके। तो मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, और जितने चोर चक्के लफंगे लड़कियों को छेड़ने वाले, हमारी महिला प्लेयर्स थी उनको छेड़ने वाले, सब इनकी पार्टी में, सब इनकी पार्टी में। इनकी पार्टी एक तरह से प्रोटेक्शन देती है, कोई कहीं चोर उचक्का लफंगा गलत काम कराए इनकी पार्टी शामिल कर ले, उसके बाद किसी एजेंसी की पुलिस की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ लगा दे, जो उसको कुछ कर दे। तो इन्होंने तरक्की का तो एक भी काम नहीं किया। आज सबसे बड़ी 3 समस्याएं हैं देश के सामने, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और इन तीनों पर इन लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है
कि अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है, अब इंडिया एयरलाइंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं कि ये इंडिया एयरलाइंस, जब से इंडिया एयरलाइंस बना है, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया एयरलाइंस अगर टिक गया, और टिकेगा, अगर इंडिया एयरलाइंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है एक 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 घर में जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी अपनी कॉलोनी में लोगों से बात करनी पड़ेगी कि इस बार इनको भगाओ। अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने पन्ने परिवार की सोचो। और एक चीज है, अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और दो मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है, घर घर जाना है। अब 5-6 महीने हैं, हम स्पेसिफिकली पूरा प्लान बना रहे हैं, दिल्ली का भी, अन्य राज्यों का भी। वो पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी ट्रेनिंग भी करेंगे, और थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। ये जो चुनाव, ये चुनाव देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और अगर 5 साल ये लोग आ गए तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे ये लोग, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इस देश को। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और गॉड ब्लेस यू। सब लोगों के त्योहारों की